इस वक्त सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री कोलकाता में अपना रोड शो शुरू करेंगे और आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ वहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है जिस पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री को बता दें कि इस रोड शो की जो थीम है वो बांगलीर मोने मोदी रखा गया है और काफ़ी वहाँ पर लोगों को इंतज़ार था प्रधानमंत्री मोदी का और अब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्होंने अपना रोड शो शुरू कर दिया है। ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से और जैसा कि अभी रोड शो शुरू होने से पहले हम दर्शकों को जब खबरें बता रहे थे उसमें हमने बताया था कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि इस बार भाजपा के पक्ष में पूरे देश में सबसे अच्छा परिणाम पश्चिम बंगाल से आएगा। ये प्रधानमंत्री की ओर से खुद कहा गया और इसका यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्रसन्नजीत, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये रोड शो कितना लंबा है और किस तरह का इंतजार वहाँ पर लोगों के बीच देखा आपने? एक जगह पे बीजेपी अपना एक तरह से आप कहें कि वो पूरा का पूरा अपनी ताकत लगाए हुई और प्राइम मिनिस्टर के मोदी का अगर इधर आप रोड शो देख रहे हैं नॉर्थ कलकत्ता में तो साउथ कलकत्ता में ममता बनर्जी भी साथ साथ उनका भी रोड शो और उनकी भी रैलियां सब चल रही है। लेकिन जब आपका सवाल है, जब पीएम ने कहा है कि कलकत्ता का पश्चिम बंगाल जो है वो बेस्ट परफॉर्मर स्टेट होगा बीजेपी के लिए, तो ये बात कहते हुए उनके बात पे कितना इस बात का दम आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो कलकत्ता में जब बीजेपी इतने दिन के संघर्ष के बाद भी कलकत्ता में अपना एक इस तरह का आधार नहीं बना पाया था और आज के जो कलकत्ता आप देखते हैं तो उसमें आपको लगता है कि एक जन सैलाब सा कलकत्ता के इस 2.5 किलोमीटर में उमड़ पड़ा है और ये जब जन सैलाब आप देखते हैं, लोगों की भीड़ देखते हैं और लोगों की जो उत्सुकता देखते हैं और प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए जो ललक देखते हैं अपने अपने मोबाइल फोन में, उस लम्हे को कैद करने की जो लोगों में एक ललक देखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये जो नॉर्थ कलकत्ता की जिस रोड से पीएम मोदी अभी गुजर रहे हैं ये एक सामाजिक क्रांति का एक इलाका माना जाता है। ये भारत के जो राजधानी आप कहते हैं कलकत्ता ब्रिटिश काल में कभी रही है का वो गौरव मिला है कलकत्ता को, तो आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का सेंटर भी कलकत्ता का यही इलाका रहा है। इसी इलाके में आप कह सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके और आप अगर बात करेंगे तो रामकृष्ण परमहंस की जो अभी आप शारदा माँ के मंदिर में घर पे आपने देखा पीएम मोदी का श्रद्धांजलि सुमन रखते हुए, तो ये आप कह सकते हैं एक कल्चरल सेंटर है पूरे कलकत्ता का। आप कह सकते हैं कि रिफॉर्म उसको लेके भी अगर ये नॉर्थ बंगाल को आप कहें कि ये देश के लिए के अग्रणी भूमिका रही है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस बार जब आप नॉर्थ कलकत्ता में देख रहे हैं कि इस तरह की लोगों की भीड़ और लोगों की ये ललक, तो आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा है कि पश्चिम बंगाल इस बार इनका बेस्ट परफॉर्मर स्टेट होने वाला है तो शायद कुछ गलत नहीं कहा है। जिस तरह का पश्चिम बंगाल में पीएम ने एग्रेसिवली कैंपेन किया है, जिस तरह से पीएम मोदी ने जो एग्रेसिवली रैलियां किया है, लोगों के एकदम एक एक इलाके में पहुंचे हैं और अपने सरकार के जो 10 साल का उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको लोगों के सामने में रखा है और इसके बाद जो ममता टीएमसी और सीपीएम और कांग्रेस के रीजन का उन्होंने लोगों के बीच में वो तस्वीरें रखी है, जैसा कि आज भी आप अपने ही बुलेटिन में बता रहे थे कि पीएम आज भी बता रहे थे इस चीज का कि ये कोई अलग नहीं है, ये सारे एक ही है।
अगर आप टीएमसी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, सीपीएम को वोट दो, तो ये एक ही दुकान है, एक ही सेंटर है जहां पे ये वोट पड़ रहे हैं। तो वो एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कलकत्ता में, खास करके पश्चिम बंगाल में, कि बीजेपी एक अलग पार्टी है जो लोकतंत्र की, जो सही मायने में लोकतंत्र है, उसकी जड़ें पश्चिम बंगाल में जो एक तरह से सीपीएम के दौर से उखड़ती गई थी, वायलेंस का दौर था, चाहे प्री पोल का इलेक्शन हो, पोस्ट पोल इलेक्शन हो, अब एक खून रक्त रंजित बंगाल हम लोग देखते रहे हैं। पंचायत के इलेक्शन में आपने देखा, एमएलए के इलेक्शन में देखा, और एमपी के इलेक्शन में अभी आपने छह फेज के चुनाव के सब होते होते आपने देखा, हर जगह एक वायलेंस का नगारा रहता है। और इसके सामने में जो संदेश खाली का जो ये एपिसोड रहा है, वो भी दुनिया को और खास करके भारत को, देश को सर्वसार किया है। तो ये साथ में फेज के दौर में जब पीएम मोदी की ये रैली देखते हैं, ये रोड शो आप देख रहे हैं, तो इसका मैसेज सात फेज के जो चुनाव में जो होने 1 जून को होने वाला है, कमोबेश आपको ये बात मैं एकदम बिल्कुल श्योर कह रहा हूं कि इस बार का जो ये फेज का जो चुनाव है उसमें बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है, जो 10 साल का जो ममता बनर्जी का जो रूल रहा है उसको लेकर वो उनमें काफी नाराजगी है। और आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बात की है, अभी उन्होंने बारासात में रैली की और रैली में उन्होंने ये बता दिया कि विकसित भारत में पूर्वी भारत का बहुत बड़ा योगदान है, और उन्होंने कहा कि टीएमसी का जो रूल है लोग उससे उकता गए हैं। और जैसे ही उन्होंने ये बोला तो एक जबरदस्त शोर पीएम के इस बात पे रिस्पांस आया, और पीएम को देखकर जिस तरह का एक्साइटमेंट मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ रैलियां कवर कर चुका हूँ बंगाल में, कृष्णा नगर, बरासात और झारग्राम, और हर जगह प्रधानमंत्री को देखने के लिए खासतौर से महिलाओं और बच्चों में खासा उत्साह है। और आज प्रधानमंत्री ने स्टेज से कुछ बच्चों के लिए कहा कि मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे हाथों में तस्वीरें लेकर आए हैं जो उन्होंने खुद बनाई हैं, और उसमें से एक तस्वीर भी मैंने आगे फॉरवर्ड किया जो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई इनकी ये कलेक्ट कर लो। प्रधानमंत्री ने कहा आप इस पर एड्रेस लिख दीजिए, अपना फोन नंबर लिख दीजिए, मैं आपसे खुद बात करूंगा। तो जो इंस्टेंट कनेक्ट प्रधानमंत्री बनाते हैं लोगों के साथ, वो लोगों के दिलों को छू जाता है, और यही आज देखने को मिला। और ये जो हुजूम देख रहे हैं आप कलकत्ता के रोड शो का, इसकी एक झलक हमने दिन में देखी थी जब प्रधानमंत्री ने बारासात की रैली ग्राउंड तक पहुंचते हुए दोनों तरफ लोग काफी बड़ी तादाद में उनको देखने के लिए मौजूद थे। तो बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है उसके पीछे प्रधानमंत्री की अपनी लोकप्रियता है, और प्रधानमंत्री से जो अपेक्षा है बंगाल की वो जबरदस्त है, और हमेशा नई ऊंचाइयों को वो छू रहा है। हमने देखा कि छठे चरण में 80% बंगाल में वो मतदान हुआ, 73% पांचवें चरण में हुआ, और आखिरी चरण जो है इसमें बीजेपी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी ताकत झोंक दी है, और प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे ताकत मिलती है आप लोगों के प्यार से, और आप लोगों का जिस तरह से साइक्लोन के बावजूद आप लोग इतनी तादाद में मुझसे मिलने आए, मेरी बात सुनने आए, उससे मुझे जो एनर्जी मिलती है वो इसका पूरा बदला मैं चुकाऊंगा, और बदला चुकाऊंगा बंगाल का विकास करके। विशाल, आप पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर आप मौजूद रहे, आज प्रधानमंत्री ने एक साक्षात्कार के दौरान पीएम मोदी ने दावा किया है कि इस बार जो नतीजे आएंगे उसमें सबसे अच्छा नतीजा पूरे देश में पश्चिम बंगाल से आने वाला है बीजेपी के लिए, क्या कुछ देखा आपने ग्राउंड पर, क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री के इस दावे को लेकर के? चंद्रशेखर, जब चुनाव आते हैं तो हर नेता अपने हिसाब से दावे करता है, लेकिन ग्राउंड पे जब आप रिपोर्टिंग करने निकलते हैं और ऑफ कैमरा जब लोगों से बातचीत करते हैं तो आपको एक सेंस मिलता है कि किस तरह का माहौल वहां पर बन रहा है। अलग अलग तबके के लोगों से मैंने बातचीत की है और सबने इस एक अपेक्षा जताई है, एक चेंज चाहते हैं वो बंगाल के अंदर, और प्रधानमंत्री और बीजेपी इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं। 42 सीटें बंगाल में है, 18 सीटें बीजेपी ने पिछले चुनाव में हासिल की थी जो उनका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था, और अब बीजेपी इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहती है, और बीजेपी चाह रही है कि बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें उसके खाते में आए, और जो कॉन्फिडेंस है प्राइम मिनिस्टर का वो इसी से रिफ्लेक्ट होता है कि लोगों को प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और लोग चाहते हैं कि बीजेपी यहाँ पर कुछ बदलाव लेकर आए। आज प्रधानमंत्री ने खुले दिल से ये बात कह दी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
बंगाल जो है उसमें किस चीज की कमी नहीं है। आजादी से पहले बंगाल पूरे देश को रोजगार देता था, लेकिन ओवर द ईयर्स यहाँ से लोगों का पलायन हुआ, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बंगाल के पास रोजगार नहीं है। और पहले लेफ्ट ने लूटा, पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर लेफ्ट ने लूटा, और अब तृणमूल कांग्रेस दोनों हाथों से लूट रही है। तो इसका भी हिसाब लिया जाएगा। और मैंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिन जिन ने खाया है उससे निकलवा के जिसका खाया है उसको मैं दूंगा। और इस बात पे एक जबरदस्त तरफ से चंद्रशेखर, ठीक है विशाल हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव की हम बात करें तो अब 1 जून को 9 लोकसभा सीट हैं जिन पर मतदान होना है, लेकिन ओवरऑल पश्चिम बंगाल में जितने चरणों में अभी तक मतदान हुआ है उसमें हमने जो कुछ देखा उसके बाद अगर इन चुनावों की बात करें तो यहाँ पर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार दो बड़े मुद्दे यहाँ पर उभर के आ रहे हैं जिसको लेकर लगातार बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी TMC पर हमला कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित रूप से। और चंद्रशेखर जी, जो आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव का अगर आपने शुरुआती दौर से देखा हुआ तो उस समय में ये चुनाव उसके साथ में संदेश खाली के जो महिलाओं के उत्पीड़न को लेके जो शुरू हुआ था मोमेंटम, ठीक है, और उसके बाद बनते बनते आपने देखा कि ये पूरे बंगाल में एक तरह से इसको लेके आक्रोश भरा था। और उस आक्रोश के साथ में आपने देखा कि जिस तरह से बंगाल में मोमेंटम बना ममता बनर्जी के गवर्नमेंट बेटे के खिलाफ में, तो लगभग एक तरह से बैकफुट पे आती गई और हर चीज को करेक्शन करते हुए नजर आई। संदेश खाली में ममता बनर्जी लगातार कहती रही कि ये सब सारे बीजेपी का ड्रामा है, और बाद में ममता बनर्जी की पुलिस से लेके सारे वहां पे बैठ के और कैंप लगा के जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तो वहां महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायतें भी दर्ज कराते हुए दिखी। सवाल ये है कि ममता बनर्जी का जो रूल रहा है TMC का वो एक तरह से पूरे पुराने CPM की एक कॉपी रही है। आप कह सकते हैं कि वही CPM के जो कैडर थे वो गांव के इलाके में और जो PM टोलेबाज कह रहे थे वो सारे वही लोग थे जो सीधे सीधे एक पार्टी का झंडा ही शिफ्ट किया था और वो TMC के कैडर हो गए थे। तो वो वायलेंस का जो एक कैरेक्टर रहा है, वो कैरेक्टर जो आप ये देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को अभी भी आम लोगों के बीच में रीच करने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए कि वहां आपने देखा है कि जिस तरह से एक तरह का एक वहां पे वॉलेंटियर जो गूंज को उन्होंने बनाया है पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, तो आम लोगों की पहुंच जो है वो इस डेमोक्रेसी में एक फेयर इलेक्शन और फेयर करने में एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी उतनी बड़ी चुनौती होती है। जो करप्शन की बात है जो पिछले 2 साल से देखे कि माननीय जो उच्च न्यायालय का जो इंटरफेरेंस के बाद जितने भी CBI के और ED के इंक्वायरी के बाद जब आपने देखा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी आज भी अपने सभाओं में कह रहे थे कि नोटों का पहाड़ आपने अगर पश्चिम बंगाल में देखा होगा तो वहाँ भ्रष्ट मंत्रियों के घर से वो पैसे निकले थे, तो ये सारे चीजें वहाँ टॉक ऑफ द टाउन है, लोग इस चीज बात को चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात ये हुई इस इलेक्शन में जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार के OBC कोटे को लेके जब मुस्लिम में 72 जातियों का आरक्षण के नाम मुस्लिम कोटे में OBC कोटे में रखा था उसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक्सपोज किया। ये पश्चिम बंगाल में अभी 2-3 फेज के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना है। बड़ा मुद्दा इसलिए भी है कि लगातार ममता बनर्जी से लेके TMC CPM और कांग्रेस का जो वहां कैंपेनिंग था वो पूरे देश का जो कैंपेनिंग है इंडिया गठबंधन का उसी के आधार पर था कि संविधान खतरे में था है, लोकतंत्र बचाना है हमें आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चीजें उनके अपने आप एक्सपोज होती गई। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि ये इनका इंपीचमेंट जो है वो कैसे एक्सपोज हुआ है, और जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि आप धर्म के आधार पे जब पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के 72 कास्ट को आप शामिल किया है तो जाहिर सी बात है कि ये एक गैर संवैधानिक है और इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ वोट बैंक है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट के इस मुहर के बाद जब ममता बनर्जी बैकफुट पे आई है तब से वो कहने लगी है कि हम हाईकोर्ट का ये आदेश नहीं मानेंगे, हम आरक्षण जारी रखेंगे, हम मुस्लिम कम्युनिटी का आरक्षण दे के रहेंगे। तो ये एक पॉइंट था। दूसरा सबसे बड़ा जो उनका CAA पे रहा है,
पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कम खम से सीए को अपना स्टैंड बताया और सीए कानून को लागू करने के साथ साथ जब आपने देखा कि पिछले हफ्ते में 200 से ज्यादा पाकिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए जो हिंदू सिख कम्युनिटी के शरणार्थी थे उनको ये मिला, भारत का नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला, तो ममता बनर्जी का जो ये भ्रम फैला रहे थे वो लगभग भ्रम वहां पे खत्म हो रहा था। मथुआ समाज का जो एक इसी में भी आप कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रभाव है हर कंस्टिट्यूएंसी में, कम से कम 18 ऐसे एमपी कंस्टिट्यूएंसी है जहां ममता मथुआ समाज का बहुत बड़ा प्रभाव है। और ममता बनर्जी ज्यादा के उसको कहती थी उन समाज को कि अगर आपने सीएए का फॉर्म भरा तो आपकी जो है वो नागरिकता तो ज्यादा मिलेगी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन आप जो है वो सख्त के दायरे में आ जाएंगे, आपके पास में ये कानून नहीं होगा, आप यहाँ पे जमीन नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब एग्रेसिवली कैंपेन में पीएम मोदी ने, अमित शाह ने ये बताना शुरू किया कि सीएए को कोई हटा नहीं सकता, इस कानून को कोई बदल नहीं सकता, ये पूरे उन सारे शरणार्थियों के लिए है जिसने विभाजन का दंत झेला है, जो भारत में शरण लेने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहा था, वो ऐसे हिंदू सिख ईसाई जैन ऐसे कम्युनिटी के लिए ये भारत शरण देने की बात कही है, उनको नागरिकता देने की बात कही है। तो सबसे जब भारत का भारत सरकार का ये स्टैंड क्लियर हुआ है तो वहां भी समाज में ये इम्पैक्ट पड़ा है। तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जो ममता बनर्जी शुरू से उठाती रही थी वो मुद्दों पर ममता बनर्जी खुद घिरती हुई नजर आ रही थी। चंद्रशेखर बिल्कुल, विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिए, विशाल बैरिस्टो हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने पिछले जो चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं वो ग्राउंड पर मौजूद थे, उन्होंने वहां पर चुनाव भी कवर किए हैं। विशाल, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार दो ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में ओबीसी वाला मामला भी सामने आया। ये जो दोनों मामले हैं तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, कितना कुछ वहाँ पर, खासकर अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें, पिछले दिनों हमने संदेश खाली भी देखा, इसका असर वहाँ के जनमानस पर कितना है? चंद्रशेखर, आज आपने बात की संदेश खाली की, संदेश खाली की जो एक महिला है जो शिकार हुई उस उत्पीड़न की और उसको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया, और रेखा पात्रो जो एक कैंडिडेट है बीजेपी की उनके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं इनके भाषण को सुन के बहुत अभिभूत हुआ हूँ और टीएमसी के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इस तरह का भाषण दे सके, और ये हमने बीजेपी ने इनको कैंडिडेट बना के ये बता दिया है कि नारी की अस्मिता को हम कितनी प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा आपने बात की भ्रष्टाचार की, तो अगर आप बंगाल के अलावा ओडिशा और बिहार को भी अगर आप इसमें मिला लें, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है बिहार और उड़िया ये तीनों स्टेट्स में माइग्रेट करते हैं, और 40 सीटें आपके बिहार की, 21 आपकी उड़ीसा की और 42 आपके बंगाल की, तो बीजेपी ने यहाँ पर फोकस रखा करप्शन और अपीजमेंट, और करप्शन और अपीजमेंट को लेकर बीजेपी बुलडोज कर रही है और वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो अपने पिछले बार के रिकॉर्ड को वो तोड़ देंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार इस इलाके में फोकस कर रहे हैं, खासतौर से बंगाल में, और दो दिन का दौरा है प्रधानमंत्री का, आज से शुरू हुआ, सुबह से लेकर शाम तक प्रधानमंत्री पूरी एनर्जी के साथ लोगों के बीच में जाते हैं, कल भी उनकी रैलियां हैं यहाँ पर, जनसभाएं हैं, और काकद्वीप पे जहां मैं खुद मौजूद रहूंगा वहां पर प्रधानमंत्री फिर से एक बार लोगों से मुखातिब होंगे। बार बार वो एक ही बात को उठा रहे हैं कि आप जो लोग हैं बंगाल के वो एक जुझारू लोग हैं, बंगाल के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, बंगाल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितना बड़ा योगदान दिया है, बावजूद इसके आज जो आम बंगाली है वो छोटी छोटी चीजों के लिए, बेसिक एमिनिटीज के लिए तरस रहा है, और उसकी वजह ये है कि जो ममता सरकार है करप्शन और अपीजमेंट के अलावा उन्होंने एक काम ये भी किया कि सेंट्रल की जो स्कीम्स थी उसको उन्होंने ब्लॉक किया और जो केंद्र की योजना है उसको आम जन तक नहीं पहुंचने दिया, गरीब तक नहीं पहुंचने दिया। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री बार बार लोगों के बीच